सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ हेल्थ टिप्स दे रहा हूं, जिन मेरे साथियों की उम्र, जिन भाई बहनों की उम्र 50 के आसपास हो गई है या 50 क्रॉस कर गई है, उनके लिए ये कुछ हेल्थ टिप्स हैं, आपको कुछ चीजें करनी है कुछ नहीं करनी। सबसे पहले तो आपने दो चीजें आपने चेक करते रहना है, एक अपना बीपी चेक करते रहे हफ्ते 10 दिन के बाद, एक अपना ब्लड शुगर चेक करते रहे। ये दो चीजें आपने करनी है, अपना बीपी और अपना ब्लड शुगर लेवल। फिर आपने अपने खाने पीने के अंदर तीन चीजें कम करनी है। क्या क्या कम करना है? एक तो नमक, अगर आपको नमकीन खाने की आदत है तो नमक, नमकीन चीजें कम खाइए। चीनी की मात्रा कम करनी है, एकदम से नहीं हो पाती, धीरे धीरे करके कम करते जाइए। अगर आप पहले 2 चम्मच खाते हैं तो 1.5 चम्मच कर लो, 1.25 चम्मच कर लो, तो धीरे धीरे कम कीजिए। ऐसे ही जितनी भी स्टार्च वाली चीजें हैं, जैसे कि मैदे से बनी हुई ब्रेड होगी, नूडल्स हो गए, ये ऐसी चीजें हैं, जो पास्ता हो गया, स्टार्च वाली जो चीजें हैं उनकी क्वांटिटी आपने कम करनी है। आपने अपने जो खाने पीने के अंदर चार चीजों को बढ़ाना है। क्या क्या? एक तो हरी सब्जियां आप बढ़ाइए, कच्ची भी खा सकते हैं आप, सलाद के तौर पे खाइए। बीन्स हैं, बीन्स को आप ज़्यादा खाइए। फल, जितने भी सीजनल फल हैं, ये नहीं कि आपके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं तो आप महंगे फल लेकर आए, नहीं, जो सीजन के फल हैं वही आप खाएं। और ड्राई फ्रूट्स, उसके अंदर प्रोटीन होती है, उनको आपने बढ़ाना है। ये चार चीज़ें आपने बढ़ानी है। एक बात और, हमें इस एज में अब तीन चीज़ें भूलनी चाहिए। क्या? एक तो अपनी उम्र, आपकी उम्र कितनी है इसको भूल जाइए आप। अपना भूतकाल, जो आपने कर लिया कर लिया, जो हो गया, उसको भूल जाइए। अब प्रेजेंट में जिए आप, और अपनी जो इच्छा है कि मेरी ये इच्छा है, मैं ये हो जाऊं वो हो जाऊं, उसको भी आप भूल जाइए। जैसे हैं जिंदगी वैसे ही जीते रहिए, तो आपको ये जिंदगी बहुत आसान लगेगी। और आपके पास ये वाली चार चीज़ें होनी चाहिए। क्या? एक तो फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जो आपको रियल में प्यार करते हों, आपकी केयर करने वाला आपका परिवार होना चाहिए। अगर परिवार नहीं है, छोटा है, तो ऐसे वर्कर्स होने चाहिए जो आपको प्यार करते हों, और आपकी जो सोच है वो बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए कभी भी। और एक आपके घर के अंदर अपना अलग से रूम होना चाहिए। ये चार चीजें आपके पास होने चाहिए। और पांच चीजें जो आपकी, आपको होनी चाहिए आपके पास, आपको बिल्कुल तंदुरुस्त रखेंगी। एक तो आप कुछ दिनों के बाद एक आध दिन का व्रत रख लो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने सोमवार या मंगलवार या संडे या वीरवार को रखना है। किसी भी दिन, जिस दिन आपका मूड करे, आप उस दिन खाना मत खाइए, केवल फ्रूट खाइए और अपने पेट को थोड़ी, अपने स्टमक को थोड़ा सा आराम दीजिए। एक जिससे भी मिलो आप, मुस्कुराकर और हंसी के साथ मिलो, बेशक उसके नाराज़गी है तब भी कोई बात नहीं। थर्ड है, आपने
सैर करने तो जरूर जाना है। अगर हो सके तो थोड़ी बहुत आप योगा कीजिए, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। ये तो आपने सैर पे तो जरूर जाना है, कम से कम 3-4 किलोमीटर। चौथा है वजन में कमी। अगर ये चीजें करेंगे तो वजन तो आपका वैसे ही कम हो जाएगा। पांचवा है कि सामाजिक कार्यक्रम आप जरूर करें। कहीं भी हो आप, गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे, या अपने मोहल्ले के RW के अंदर आप जो भी आपसे हो सकता है सामाजिक कार्यक्रम करें, उसके अंदर हिस्सा लें, ताकि आपका मन जो है उसमें लगा रहे, वो पॉजिटिव सोच बनी रहे। छठी बात है जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए हमें? कि हमें कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमें भूख लगेगी तभी हम खाएंगे। अपने एक टाइम निश्चित कर लीजिए कि हमने इस समय पे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करना है। जैसे मैं बार बार बताता हूँ आपको कि हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम तकरीबन 8 बजे है, 7 से 9 हमारा स्टमक का टाइम है। अगर हम 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमारी जो पाचन शक्ति है बहुत बढ़िया बनती है, हमारे को फैट नहीं बनेगी, टॉक्सिन नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी। तो अपना एक टाइम फिक्स कीजिए, बेशक आपको भूख कम है, कम खा लीजिए, मगर आप टाइम फिक्स कीजिए। एक, हमें केवल प्यास लगने तक पानी नहीं पीना चाहिए कि जब प्यास लगेगी तभी पानी पीना है। हमें पानी तो वैसे ही पीना चाहिए, नहीं भी प्यास लगे तब भी हमने पानी पीना है। और एक अपना टाइम फिक्स कीजिए रात को सोने का। ये नहीं कि नींद आए तभी हमने बेड पे लेटना है, एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमने 9:30 या 10 बजे सोना है, तो आपने उस टाइम पे जाके सोएंगे तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। कभी भी आप ये मत सोचिए कि हम जब थक जाएं तभी आराम करना है। एक आप उनका भी टाइम बांध लीजिए कि आपने किस किस टाइम पर आराम करना है। अब जो मेडिकल चेकअप है वो भी आप एक रेगुलर आपने करवाना है। ये नहीं करना कि जब बीमार पड़ेंगे तभी आपने डॉक्टर के पास जाना है। अब वैसे ही 6 महीने या साल में एक बार अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। और सबसे बड़ी बात कि हम भगवान को तभी याद करते हैं जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है। हमने उसकी इंतजार नहीं करनी कि हमारे ऊपर समस्या आए, कोई परेशानी आए, तभी हमने भगवान को याद करना है। हमने परमात्मा को वैसे ही सोते जागते, उठते बैठते, सैर करते हुए उसको याद रखना है। अब इन बातों का ध्यान रखेंगे आप देखेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी कितनी ही अच्छी तरह बीतेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि हम सभी अपनी जिंदगी को सुधार सकें। तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।